अरे 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 ए कटे गई थी बेटा तू ये टिफिन डिलीवर कर रहे हाँ। बेटा थारे हाथ में तो चोट लगी है ए, स्कूटी कैसे चलाई तूने? स्कूटी तो विष्णुड़ा ने चलाई, मैं पीछे बैठी थी। अब बन्नी की जिंदगी में कभी खीर हो सके तो कभी काढ़ा भी हो सके, पर अपने कस्टमर ने भूखा थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ। दादो साहब इस बार ना लड़ाई आसान ना है, बहुत बड़ा खेल खेल गई फंटू सी सासू माँ। पहले तो उन्होंने युवान को यह दिखाया कि कसम तोड़ने की वजह से युवान की माँ उससे नाराज है, और अब उन्होंने युवान को यह दिखाया कि वंदना मम्मा भी वो खुद ही है, और ये सब उन्होंने युवान से बोला ना अलग अलग तरीके से करके दिखाया, और हमें भी युवान को सच्चाई सुनानी ना है दिखानी पड़ेगी। सच्चाई दिखावेंगे कैसे? दादो साहब ऐसी कोई डिश ना है जिसे बन्नी ना बना सके, और ऐसी कोई मुसीबत ना जन्मी जिसे बन्नी ना निपटा सके। एक हाथ से खाना बना लिया पर ये जिप क्यों ना बंद हो रही है? ये कपड़ा ना ऐसे ऐसे बांधूंगा बन्नी दुल्हन को, मैं बोलूंगा बन्नी दुल्हन सरप्राइज। बन्नी दुल्हन दवाई खा के सो गई क्या? पर दरवाजा क्यों लॉक किया है? अंदर जाके देखना पड़ेगा। युवान तुम बन्नी दुल्हन? युवान तुम अठे क्या कर रहे हो? मैंने तो कमरे का दरवाजा बंद किया था ना। वही तो बन्नी दुल्हन, क्यों बंद किया था? तुम तो सो भी नहीं रही थी। सोना मैं कपड़े बदल रही थी इसलिए दरवाजा बंद किया। युवान तुम बाहर जाओ और जाके मायरा ने बुलाओ, उसकी मदद चाहिए, जाओ ना। मैं मदद कर देता हूँ ना बन्नी दुल्हन। ना ना युवान, मारे को तुम्हारे सामने शर्म आवेगी ना। तुम जाके मायरा ने बुलाओ ना। मायरा तो बन्नी दुल्हन पलक के साथ अपने दोस्त के यहाँ पढ़ने गई है, और बाकी सब भी सो रहे होंगे। क्या करूं? अच्छा सुनो युवान, तुम ना दरवाजे के बाहर जाओ और बाहर ही रहना, जब मैं आवाज दूंगी तब अंदर आ जाना, ठीक है? जाओ। ये देखो बन्नी दुल्हन, युवान ने ना अपनी आंखें ऐसे 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 बंद कर ली हैं, अब तो मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देगा, तो अभी तुम्हें शर्म नहीं आएगी ना? अब मैं कर सकता हूँ तुम्हारी मदद। बताओ ना बन्नी दुल्हन, क्या करना है युवान को? मदद कर दूं? क्या करना होगा? ठीक है युवान, मारी ये जिप है उसे लगा देना, है ना? उधर ना है नीचे।
हो गया। थैंक यू युवान। अपना बन्नी दुल्हन मैं ये तुम्हें बांधूंगा। क्यों? अरे मेरी बात मान तो वो एक बार प्लीज मेरे लिए। तुम हमारे साथ कोई शैतानी करोगे ना? बन्नी दुल्हन कभी तो विश्वास कर लिया करो युवान पे। पक्का ना? पक्कम पक्का, कोई शैतानी नहीं, ठीक है? अब के? युवान? हाँ 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 आओ मेरे साथ। कटले जा रहे हो? युवान, युवान कटे ले जा रहे हो हमारे को? बताओ ना। बस यही खड़ी रहो बनी दुल्हन। हैप्पी बर्थडे बनी दुल्हन। युवान, इतने सालों में किसी ने हमारा बर्थडे ना मनाया, तुमने ये? युवान के लिए बनी दुल्हन तो स्पेशल है ही, बनी दुल्हन का जन्म लेने वाला दिन और भी ज्यादा स्पेशल। पता है युवान, मैं खुद ही भूल गई थी कि आज मारा बर्थडे है। इतने सारे टेंशन में भूल गई थी, पर थारे को कैसे याद रहा? मुझे तुम्हारी हर चीज याद रहती है बनी दुल्हन। हमारी इतनी बेइज्जती करने के बाद ये आराम से अपना बर्थडे मना रही है, इसकी तुम है? अरे तुमसे अच्छा तो ये युवान है, कम से कम इसे अपनी बीवी के लिए कुछ करने से पहले टीजी की परमिशन तो नहीं लेनी पड़ती, वरना यहाँ तो अपनी बीवी के बालों में लगाने के लिए फूल भी टीजी से पूछ के आते हैं। तुम फूलों की बात कर रही हो? इसे देख देख के मेरे अंदर कांटे चुभ रहे हैं, इसे आज नहीं छूऊंगा मैं, बता रहा हूँ। रुको, कहाँ चले जा रहे हो? बस मारपीट करवा लो तुमसे और फिर करवाना उस बन्नी से अपनी बेइज्जती, तब तुम्हारी टीजी भी ना तुम्हारा ढेरे भर का साथ नहीं देने वाली। युवान, सिर्फ एक मोमबत्ती क्यों? वो युवान बन्नी दुल्हन का पहली बार बर्थडे मना रहा है ना, इसलिए। अपना बन्नी दुल्हन तुम जल्दी से केक काट लो, युवान के पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं। मैंने बनाया है केक। हाँ चल। Thank you.
युवान कि हमारी पूरी जिंदगी का सबसे प्यारा सरप्राइज था युवान। अरे बनी दुल्हन, ये तो बस एक ही था। मैं तो तुम्हें ऐसे बहुत सारे सरप्राइजेस देना चाहता हूँ, तुम बस बताओ क्या चाहिए। बनने की इस वक्त सबसे बड़ी इच्छा तो यह है कि कैसे वो युवान की आंखें खोले। युवान, मारे को ना एक बहुत ही खास बात थारे से कहनी है। हाँ बोलो ना बनी दुल्हन। मम्मा मम्मा, हरी प्यारी मम्मा। मम्मा प्रणाम। मम्मा तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? आपके साए में सुख लेने आई हूँ हमारी प्यारी सासू मम्मा। युवान ये क्या है? मम्मा आज बन्नी दुल्हन का बर्थडे है ना, तो मेरे बाद सबसे पहले आपको केक खिलाने आई है और आपसे वो लेने आई है, वो आशीर्वाद। वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है ना बन्नी दुल्हन, इसलिए। हैप्पी बर्थडे बन्नी। थैंक यू सासू माँ, थैंक यू। युवान मुंह खोली ना सासू माँ। आशीर्वाद भी दीजिए ना सासू माँ। खुश रहो बन्नी। मैं अभी आती हूँ सासू माँ। बन्नी दुल्हन के बर्थडे के लिए ना तुम मुझे ना उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना है, आप मेरी मदद करोगी? मैं? हाँ। मैं क्या हेल्प करूंगी युवान? ना वो आप। घेवर? युवान ना मारे हाथों में तो अभी चोट लगी है ना, तो कल मैं अपने कस्टमरों ने टिफिन में सिर्फ मसाला खिचड़ी दही पापड़ और अचार भेजूंगी, पर मारा बहुत मन है कि कल अपने बर्थडे पे मैं सबने मीठे में घेवर खिलाऊं। ओ घेवर। पर क्यों ना युवान, मतलब मैं तो ना बना पाऊंगी पर मम्मा तो बना सकती है ना। तुम ही कहते थे ना कि मम्मा के हाथों में भी एकदम बन्नी जैसा स्वाद है। अरे हाँ बन्नी दुल्हन, मम्मा बहुत अच्छा घेवर बनाती है, एकदम मस्त वाले है ना। हाँ। क्या वो हमारे सारे 160 कस्टमरों के लिए घेवर बना देंगी? आराम से। हाँ, मम्मा ने बन्नी दुल्हन बचपन में इतने सारे घेवर बना दी थी, इतने सारे। हाँ, बचपन में इतने सारे बनाती थी ना ईमान के लिए, तो आप बन्नी दुल्हन के लिए नहीं बना सकते क्या? बनाओगी ना मम्मा? अगर अगर नहीं बनाओगी ना तो युवान गुस्सा हो जाएगा। आप बनाओगी ना? थैंक यू सो मच मम्मा, थैंक यू सो मच। बन्नी आई नो युवान के दिमाग में ये बात तुमने ही डाली है, अब तो मैं फंस गई, मुझे केवल बनाना ही नहीं आता। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।